हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही जनरली यूज्ड होने वाले होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको हम टॉनिक के तौर पर भी यूज़ करते हैं, उसकी क्लिनिकल टिप्स के बारे में। और हमारी आज की मेडिसिन है एल्फा एल्फा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ALF के थ्रू लिखा जाता है। तो हम लोग क्लिनिकल टिप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने नहीं बताया है, कुछ प्रोमिनेंट ऑथर्स ने अपनी बुक्स में डिस्क्राइब कर रखा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले जा करके जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कुछ की पॉइंट्स जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका जो एक्शन होता है, सिंपैथेटिक एक्शन जो होता है इसका, अल्फा अल्फा उसके थ्रू फेवरेबली इन्फ्लुएंस करती है न्यूट्रिशन को। और ये देखने को मिला है कि ये टोन अप कर देती है एपेटाइट को और डाइजेशन को, जिसकी वजह से पर्सन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है मेंटल और फिजिकल वाइगर में। मतलब अगर किसी पर्सन में एपेटाइट या फिर डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं और उनको थोड़ी सी टोनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तब फिर अल्फा अल्फा जनरली टॉनिक के तौर पर यूज़ हो जाता है। और पर्सन जो होता है वो वेट गेन भी कर लेता है इसी टॉनिक के हेल्प से। डिसऑर्डर्स जो होते हैं जिनमें हमें माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा होता है, ये मेनली इसके थेरेपेटिक रेंज के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन में न्यूरास्थीनिया की प्रॉब्लम है, स्प्लैंकनिक ब्लूज है, नर्वसनेस की प्रॉब्लम आ रही है, इंसोमनिया की ट्रबल है, या फिर नर्वस इनडाइजेशन है, इन सब केस में अल्फा अल्फा, जिसका कॉमन नेम मेडिकागो सेटाइवा भी है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये फैट प्रोड्यूसर की तरह से एक्ट करती है, टिश्यू वास्ट को करेक्ट करती है, डेफिशिएंट लैक्टेशन अगर किसी लेडी में है तो उसको इम्प्रूव करती है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो होता है नर्सिंग मदर्स में उसको भी इंक्रीज कर देती है और इम्प्रूव कर देती है। ये देखने को मिला है कि इसका एक्शन बहुत ही अच्छा होता है यूरिनरी सिस्टम पर, और क्लिनिकली ये डायबिटीज़ इंसिपिडस और फॉस्फेटूरिया के केस में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये वेसाइकल इरिटेबिलिटी अगर किसी पर्सन में मिल रही है प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की वजह से, तो उसको उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी पर्सन में रिमैटिक डायथेसिस देखने को मिल रही है स्पेशली, तब फिर ये वाली मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ क्लिनिकल टिप्स जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ क्लिनिकल टिप्स, जैसे कि ए गैलेक्टिया, डेबिलिटी, डिस्पेप्सिया, पॉलीयूरिया। हम लोग देखेंगे कि इन सब केसेस में हम लोग इस मेडिसिन को कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और कौन से ऑथर ने इसे किस तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि अल्फा अल्फा का रोल जो होता है ए गैलेक्टिया में, ये बहुत ही अच्छा होता है। ये अगर कोई केस है ए गैलेक्टिया का, तो उसमें हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज कर देती है क्वांटिटी और साथ में क्वालिटी ऑफ मदर्स मिल्क को। और ये जो की पॉइंट था, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपने बुक रेयर कलेक्शन विद रेयर मेडिसिन में। अब देख लें हम लोग डेबिलिटी, सेकेंड पॉइंट जो कि है हमारा इसका क्लिनिकल टिप का, तो इसे प्रिस्क्राइब किया जा सकता है अगर किसी पर्सन में डेबिलिटी या फिर डिस्पेप्सिया मिल रहा है, तो उस केस में इसे दिया जा सकता है। ये क्लिनिकल टिप दिया हुआ है RL गुप्ता सर ने। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी बुक में कि इस अल्फा अल्फा का जो टिंक्चर होता है उसको ऐड करना है एल्ट्रिस टिंक्चर में और एस्टोनिया टिंक्चर में, और रेशियो होगा इन तीनों टिंक्चर्स का 1:1:1। इसका मिक्सचर करने के बाद में 10 ड्रॉप्स आफ्टर और बिफोर मील्स, अगर किसी पर्सन में डेबिलिटी, फ्लैचलेंट या फिर नर्वस डिस्पेप्सिया है और पेन हो रहा है पर्सन्स में नर्व्स के अराउंड में, स्टमक के अराउंड में और हार्ट के अराउंड में, साथ में पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेंट मिल रही है, तब फिर ये जो मदर टिंक्चर का हमने मिक्सचर बनाया है, इसका अगर वही 10 ड्रॉप्स दिया जाता है मील्स के बिफोर और आफ्टर, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो मेडिसिन है ये पॉलीयूरिया के केस में भी दिया जा सकता है। अगर किडनीज किसी पर्सन में इनएक्टिव हैं, पर्सन को फ्रिक्वेंट अर्जिंग महसूस हो रही है यूरिनेट करने की, पॉलीयूरिया की कंप्लेंट है और इंक्रीज्ड एलिमिनेशन हो रहा है फॉस्फेट्स और यूरिया का, तब भी हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ था डॉक्टर बलबीर सिंह ने। ये थी हमारी आज की कुछ
क्लिनिकल टिप्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर होम्योपैथी से रिलेटेड और कोई भी जानकारी जानना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें बताइए, फ्री होकर के हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं इसी तरह से क्लिनिकल टिप्स से रिलेटेड, आप उनको जाकर के रेफर कर सकते हैं हमारे चैनल के वीडियोज़ में। अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने क्लिनिकल टिप्स के लिए, आप उससे जाकर के भी सारे क्लिनिकल टिप्स वाले वीडियोस को एक साथ में रेफर कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।